भोजपुरी की धुन पर ये मीठी आवाज सुषमा सेठ की निजी जिंदगी का झरोखा है। एक ऐसा झरोखा जिसमें झांकने पर आपको सुषमा का एक अलग ही अंदाज नजर आएगा। पेंटिंग करते हुए इन्हीं हाथों ने अपने घर की हर दीवार सजाई है। हिंदी सिनेमा की दादी सुषमा सेठ का ये रूप सबसे अछूता रहा है। दर्शन के पहले धारावाहिक हम लोग के जरिए एक दादी ऐसी मशहूर हुई कि हर घर में तब बस उनके ही चर्चे होने लगे। हम लोग की इस दादी को शायद कई लोग भूल चुके होंगे, लेकिन युवा पीढ़ी को उनका ये रोल बखूबी याद होगा। आलू के परारे चलेंगे कमला जी। फिल्म शानदार में आलिया की हॉटी नॉटी दादी सुषमा सेठ। हिंदी सिनेमा में 40 सालों से भी ज्यादा वक्त गुजार चुकी सुषमा सेठ की कहानी शुरू होती है आज से करीब 81 साल पहले। वो साल था 1935 जब सुषमा सेठ की कहानी शुरू हुई, जब सुषमा ने इस दुनिया में आंखें खोली। दिल्ली के खुशहाल परिवार में वो पली बढ़ी। अपनी जिंदगी का एक लंबा फासला तय कर चुकी सुषमा को अपना बचपन आज भी नहीं भूलता। दिल्ली में ही पैदाइश हुई थी और हमारा पूरा परिवार था। हमारे पिताजी के 5 भाई और हम सब एक ही घर में रहा करते थे, जबकि औरतें पर्दे में रहती थीं और घर से बाहर नहीं निकलती थीं। लेकिन हमारे परिवार में हमारी सारी भुआएं और सारी औरतों को इजाज़त थी। उस समय हमारी बहन को कथक नृत्य सिखाया और हम हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल म्यूजिक सीख रहे थे उस समय। उस वक्त कई तरह की सामाजिक कुरीतियां समाज में फैली थी, औरतों पर कई तरह की बंदिशें थी, लेकिन सुषमा के माँ बाप खुले विचारों के थे। उन्होंने सुषमा पर किसी तरह की सामाजिक बंदिश नहीं डाली, हर तरह के बंधनों से उन्हें आजाद रखा। दिल्ली के लेडी इरविन कॉलेज से सुषमा ने डिप्लोमा पूरा किया, अमेरिका की कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मिली और वो फिर ड्रामा की पढ़ाई करने यूएस चली गई। जब हमें बाहर जाने के लिए पढ़ने के लिए वजीफा मिला, स्कॉलरशिप मिली ड्रामा पढ़ने के लिए अमेरिका, तो उन्होंने सब परिवार वाले कहने लगे 18-19 साल की उम्र में आप शादी करिए लड़की की, इसको बाहर क्यों भेज रही हैं। उन्होंने कहा नहीं अब जाएगी। ये जो स्कॉलरशिप मिली, ये जिस कॉलेज के लिए मिली, जब वहाँ का सिलेबस देखा तो उसमें ड्रामा हम एक सब्जेक्ट के तौर पे ले सकते थे। यहाँ हिंदुस्तान में वो पढ़ने का कोई माहौल नहीं था, तो फिर जब अमेरिका गए तो वहाँ पर ड्रामा ही पढ़ा, वहाँ से ग्रेजुएट किया और वहाँ नाटक भी बहुत सारे किए। अमेरिका से ड्रामा में ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर जब वो इंडिया वापस आई तो इंडियन थिएटर को एक नई दिशा देने का मन बना बैठी। उस वक्त के गिने चुने थिएटर आर्टिस्ट को साथ लेकर उन्होंने दिल्ली में प्ले करना शुरू कर दिया और साल 1960 में अपना एक थिएटर ग्रुप बनाया यात्रिक। 1960 में दिल्ली में बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स थे और नाटक कर रहे थे। हम लोगों ने भी यात्रिक बनाया और उससे पहले बहुत जितने भी एमेचर थिएटर ग्रुप्स थे उनके साथ काम करने का मौका मिला, हिंदी में भी, उर्दू में भी, अंग्रेज़ी में भी, तीनों लैंग्वेजेस में। आई डिड अ लॉट ऑफ प्लेज, उसमें बड़े अच्छे अच्छे रोल्स सबने ऑफर करे। हमारे ग्रुप में एज यात्रिक जॉय माइकल थी, रोशन सेठ थे, बैरी भी ने भी साथ काम किया, बेंजामिन गिलानी भी थे, कुसुम हैदर, सलीमा रजा, ये सब हमारे साथ, हम सब ने मिलके और यात्रिक में बहुत सारे नाटक किए। थिएटर से जुड़ा कोई भी काम सुषमा ने नहीं छोड़ा। नाटक लिखने से लेकर कॉस्ट्यूम, मेकअप, थिएटर की हर विधा में उनका दखल रहता है। उनके कई नाटक सितारा, सेहत का नुस्खा, मूर्ख बिल्लियां और एलन एंड किंग्स डॉटर काफी चर्चा में रहे। स्टेज पर जब उनकी परफॉर्मेंस होती तो कैरेक्टर में वो इतना खो जाती कि हर किसी को उनमें बस किरदार नजर आता, सुषमा सेठ नहीं। उनके रोल्स इतने रियलिस्टिक होते थे कि कई बार खुद घर वाले भी उन्हें नहीं पहचान पाते थे।
एक रोल किया था इन विच आई वॉज अ निग्रो वुमन, ओल्ड निग्रो वुमन. तो एक बॉडी सूट भी पहन रखा था, बहुत ढीली ढाली एक ड्रेस भी थी, विग भी लगी हुई थी और काला मेकअप था, मतलब चाकोल सा. हमारे भाई देखने वो आए, बड़ा अच्छा रोल था वो, उसमें गाना वाना भी गाना था. तो हमारे भाई आए हमसे कहने लगे, एक्सक्यूज मी, वेयर विल आई फाइंड सुषमा? सो यू नो दैट मीन्स के वो जो हमारा मेकअप वगैरह था वो बहुत अच्छा था, वो हमारे भाई भी नहीं पहचान पाए कि हम वो थे. थिएटर करने के दौरान ही उनकी शादी हुई, बच्चे हुए, घर की पूरी जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ वो 20 सालों तक थिएटर से जुड़कर देश में इसके विकास का हर संभव प्रयास करती रही. 1975 में उन्होंने चिल्ड्रन थिएटर की शुरुआत की, वो अब भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जारी है. सुषमा को काफी तवज्जो भी मिली. उनकी स्टेज परफॉर्मेंस देखकर रियलिस्टिक फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर श्याम बेनेगल उनकी एक्टिंग के मुरीद हो गए और इस तरह सुषमा के फिल्मी करियर की शुरुआत हुई. श्याम बेनेगल ने बहुत सारी फिल्म्स जो बनाई थी तो उनमें उन्होंने ज़्यादातर थिएटर के आर्टिस्ट को लिया था. तो जब ये जुनून बनाने वाले थे तो वो दिल्ली आए थे और उन्होंने फ़ोन किया था कि वो ये फिल्म बना रहे हैं एंड हम आके उनसे मिलें. लखनऊ में शूटिंग हुई थी, मलिहाबाद में सारी शूटिंग हुई थी. इतना अच्छा अनुभव था. दिमागी खुराफाती पाया आका भाई ने, शादी करके घर बसा लो, कम खुराफात सूझेगी. इतना अच्छा दर्शाया था इसलिए वो फिल्म इतनी चली थी और इतनी सबने उसकी तारीफ की थी और इतने सारे उसको अवार्ड मिले थे. आओ जावेद मियां, आओ. अस्सलाम वालेकुम. जी तेरा. हमें इस गठरी में क्या उठा लाए? इस घर में बेहुदे कपड़े नहीं पहने जाएंगे. जावेद मियां, चाची जान, इस गठरी में बेहतर कपड़े हैं इनके लिए. इनके लिए लीजिए. और आपकी बोटी बोटी कांप रही थी कि जावेद मियां आपका काम तमाम कर देंगे. ऐसा करने के लिए इस इलाके में बहुतों की हथेलियां खुजला रही हैं. अपनी पहली ही फिल्म से सुषमा ने एक्टिंग की छाप छोड़ दी. सुषमा की एक्टिंग फिल्मकारों को इतनी पसंद आई कि चार बड़े फिल्म मेकर्स ने उन्हें अपनी बिग बजट फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया. फिल्म को रिलीज करने के बाद ही चार और फिल्म्स के एकदम से ऑफर आए. एक तो प्रेम रोग, एक राज कपूर जी की फिल्म, एक यश चोपड़ा जी की सिलसिला, एक देवानंद साहब की स्वामी दादा उसकी, और श्याम की दूसरी फिल्म कलयुग. श्याम बेनेगल की कलयुग और यश चोपड़ा की सिलसिला उनकी हिट लिस्ट में शामिल हो गई. इसके बाद वो देवानंद की फिल्म स्वामी दादा में दिखी. लड़के के साथ? आखिर पूछ सकती हूँ क्या है तुम दोनों के बीच, क्या इरादे है इसके? मम्मी मुझे अकेला छोड़ दो. कैसे अकेला छोड़ दूं? मैं माँ हूँ तेरी. पर तुम जाओ मम्मा. अब बारी थी उनके एक और बेहद संजीदा किरदार की. राज कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म प्रेम रोग में सुषमा ने एक सख्त दिल बड़ी माँ का रोल अदा किया. कहना आसान है पर विधवा को सहेज के रखना कोई मजाक नहीं. फेर दिया ना खोटे सिक्के सा चार ही दिन में. के बाद तो जैसे सुषमा हर फिल्म मेकर की पहली पसंद बन गई और सुषमा के पसंदीदा डायरेक्टर बन गए राज कपूर. किनके लाइए ना छबिया, वरना एक दो कुल्ला तेरे कम ही निकलते. जदीस हरे हरता. छोटी कम से कम आरती के वक्त तो 2 मिनट आके खड़ी हो जाया करो. हो गए बहुत बनाओ सिंगार. उन्होंने वो ऑफर किया तो बुरा नहीं लगा कि ये कैसा है और नेगेटिव शेड्स हैं इसमें. ये तो सोचा नहीं था, बल्कि ये सोचा कि ये तो बड़ा मजेदार कैरेक्टर है. तो इस तरह करके चैलेंज और फिर उसको स्टडी करके अपनी तरफ से वो किया. और राजी भी, उनको भी मालूम था कि एग्जैक्टली किससे कैसी परफॉर्मेंस निकालनी है, क्या करवाना है. तो वो इज्जत एक्टर को देते थे कि आप बताइए कि किस तरह करना चाहिए. और वो मालूम होते हुए भी कि हम जो कहेंगे वो अपनी तरह से वो सारा कुछ करवा लेंगे. और फिर तारीफ भी बहुत करते थे. फिल्मों में माँ और दादी के रोल के लिए सुषमा हर फिल्म मेकर की पहली पसंद बन चुकी थी. फिल्म आग का दरिया,
नौकर बीवी का और काला धंधा गोरे लोग जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने अदाकारी का हुनर दिखाया। क्या बताऊं? और इतना हंसमो कि आप जितनी भी परेशान होंगी ना वो आपको यूं करके हंसा देगा। अच्छा अच्छा, मुझे परेशान मत कर। कुछ फिल्मों में तो वो अपने हमउम्र एक्ट्रेस की माँ का रोल निभाते दिखी। ऐसी ही एक फिल्म थी ऐलान-ए- जंग, जिसमें उन्होंने अपने हमउम्र धर्मेंद्र की माँ का रोल बहुत आसानी से कर दिया। जब हम 15 साल के थे या 13 साल के, तो हमने स्टेज पे घर के नाटक के लिए एक 75 बरस के नवाब साहब का रोल किया था, बिना ये सोचे कि ये हम क्या कर रहे हैं। बड़ा मज़ा आया था वो भी करने में। तो जब एक्टिंग का शौक़ होता है ना, तो सब कोई कितनी उम्र का बेटा हो जाए क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो अपना रोल करना है अपने ही हिसाब से, और टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। 80 से 90 के दशक में सुषमा अलग अलग फिल्मों में माँ का किरदार निभाती रही। ऋषि कपूर की लगभग हर फिल्म में माँ का रोल उन्हें ही मिलता था। नहीं नहीं, तूने तो हमें जूते खाने के लिए किया था। जूते बेचने से तो तेरी डिग्री का कागज घिस जाता है ना, तो फिर खाता रहे जमाने के जूते। माँ तू मेरी किस किस बात की फिक्र करेगी, खाने की, पीने की, रहने की और शादी की भी। हाँ। चाहे वो ऋषि के शुरुआती दौर की फिल्म तवायफ हो या फिर 1986 में आई सुपरहिट ब्लॉकबस्टर नगीना। कुछ कुछ याद है बेटा, भूल जाओ ये सब बातें। मगर क्यों? कुछ कुछ याद है बेटा, भूल जाओ ये सब बातें। नगीना कर रहे थे तो उसमें तो वो एक सांप भी था, बड़ा अच्छा एक्टर था। उसको वो स्टेयर केस था बड़ा लंबा सारा, उसकी वो जो नीचे गोल चीज़ होती है उसके ऊपर उसको बिठा दिया था, और वहाँ पर ट्रैक लगा हुआ था ऐसे जाता हुआ, और उस सांप का शॉट था। फ्रॉम मी इट वाज पैनिंग टू द कैमरा टू द स्नेक, तो वो स्नेक जिस तरह वो ट्रॉली चली उस तरह से उसने फेसिंग दी एंड तक। आई वाज सो अमेज्ड, वी न्यू व्हाट टू डू एंड वेरी प्रोफेशनल एक्टर्स। कभी ममता से भरी तो कभी खड़ूस सास, हर किरदार इतनी संजीदगी से जिया कि सुषमा के निभाए किरदार बड़े पर्दे पर जीवंत हो उठे। जिस दिन प्रेम से जीना और आनंद में रहना सीख लेंगे लोग, उस दिन हर घर में विवेकानंद पैदा होंगे। नरेन राम तेरी गंगा मैली, अजूबा, फासले और चांदनी में उन्होंने खूब वाहवाही बटोरी। अपने शुरुआती दौर में सुषमा ने अवार्ड विनिंग फिल्म छन परदेसी में अमरीश पुरी के ऑपोजिट नजर आई। मैं तंग आ गया तेरे असन्ने विश्वास तो। हाँ मैं की देख लिया जैसी। मेरा विश्वास जैसी। दो इंग्लिश फिल्में की, स्टेइंग ऑन और माउंटबेटन। उसके बाद फिल्म धड़कन में उनका ग्रे शेड अंदाज नजर आया। दुल्हन रानी। हाँ जरा इधर तो आओ। नई नवेली दुल्हन के भीगे भीगे बाल हमें बहुत अच्छे लगते हैं भाई, तुम्हारे माँ बाप के टेस्ट की तो दाद देनी पड़ेगी। ऐसी कितनी साड़ियाँ और जेवरात लेकर आई हो साथ? ऐसा करो कि अपने सारे जेवरात हमारे पास रखवा दो, जब जरूरत हो तो मांग लेना, हम दे देंगे। इसके बाद सुषमा नए दौर के नए एक्टर्स के साथ देखने लगी, ये यूं कहें कि शाहरुख की करीब करीब हर फिल्म में नजर आने लगी। उन्होंने हमारी सुन ली। किसने? उन्होंने। ओए, ओ दादी। दादी ना? दादी जी इतने हो? जेनिफर लोपेज़। हाय रब्बा, की होया? अच्छा तो सरस्वती जी की पूजा कर रहे थी। तो सरस्वती जी की पूजा नहीं, सरस्वती जी को टॉर्चर कर रहे हो आप लोग। ओए, तू कौन होता है हमें ये सब बताने वाला? आई एम सॉरी, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया। मैं अमन माथुर, आपका नया पड़ोसी। ओ जी, चड्डा जी का भतीजा। चड्डा का भतीजा? राजो जी, डोंट माइंड जी, मेरा भतीजा थोड़ा मजाकिया है जी। चड्डा और लाजो की प्रेम कहानी, बुढ़ापे में जवानी। बड़ा मजेदार रोल था वो, कल हो ना हो वाला। आई लव डूइंग दैट। वो एक तो फिल्म बहुत अच्छी बनी थी और वो रोल बहुत ही मजेदार था,
बहुत अच्छा लगा. आई हैड ऑब्जर्वड अ लॉट ऑफ ओल्ड लेडीज जो कि उस तरह बिहेव करती हैं और उस तरह का उनका चाल चलन और उस तरह की उनके भाव और उस तरह की उनके हैंड मूवमेंट, उस तरह की पर्सनैलिटी. तो जब उन्होंने वो मौका दिया तो आई प्लेड दैट रोल एंड आई एंजॉयड इट थरली. बहुत मज़ा आया वो करने में. हाल ही में रिलीज फिल्म शानदार में उन्होंने मॉडर्न दादी के खूब लटके झटके दिखाए. Two. This is Jagjinder Joginder from Bee Gees. आपकी बेटी का वेडिंग ऑर्गेनाइजर. I'm feeling naughty. Not the flirtatious bit, लेकिन वो कुछ लैंग्वेज में तो मैं कहा कि ये क्या करवा रहे हो. हमेशा अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से ये कहते हैं कि ये जबान मत बोलो, ये जेस्चर्स मत करो, वो कभी बात नहीं सुनेंगे हमारी. लेकिन बात करें उनके टीवी करियर की तो हम लोग की दादी का किरदार आज भी उनके दिल के बेहद करीब है. ये दादी के किरदार का ही असर था कि ऑडियंस डिमांड की वजह से दादी का कैरेक्टर लास्ट एपिसोड तक बढ़ाया गया. दादी को कैंसर हो जाता है और उनको किसी एपिसोड में बीच में ही समाप्त होने वाले थी उनका कैरेक्टर. लेकिन इतनी सारी चिट्ठियाँ आई उनके पास कि नहीं दादी वो मत मारिए, दादी को बिल्कुल मत मारिए. तो आखिरी एपिसोड में जाके दादी को उन्होंने मारा. इतना मज़ेदार वो रोल था, बहुत अच्छा लिखा हुआ था. देख भाई देख ने उनका चेहरा फिर से टीवी की दुनिया में मशहूर कर दिया था. I am in charge here. बोलिए. ये आपके मिस्टर सामंत इतने अजीब आदमी हैं. इन्होंने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि मुझसे बात करें. कार समेत घसीटने में सीधे यहाँ ले आए हैं. देख भाई देख वो भी बड़ा अच्छा था. बेस्ट कॉमेडी सीरीज एवर. उनकी बेटी दिव्या सेठ भी टेलीविजन की दुनिया का जाना माना चेहरा है. इसके अलावा सुषमा की छोटी बहन चारू सृजा काफी मशहूर मणिपुरी नृत्यांगना है. 81 साल की हो चुकी सुषमा अब भी पूरी तरह से फिट एंड फाइन है. बढ़ती उम्र का कुछ खास असर उन पर होता नहीं दिखता. योग के जरिए वो खुद को फिट रखती है. पेंटिंग और सिंगिंग के अलावा घर का इंटीरियर करना उनको बेहद रास आता है. पिछले साल उनका लिखा नाटक सितारों के पास कल्पना काफी हिट रहा था. बच्चों की एनजीओ अपर्णा के साथ जुड़कर वो ये नाटक बच्चों से ही करवाती हैं. उम्र के हर पड़ाव पर उन्होंने काफी कुछ सीखा, काफी कुछ किया. लेकिन इतना कुछ कर गुजरने के बाद भी उनकी आंखों में अब भी कुछ नया सीखने की ललक नजर आती है. एक तो ये जाना फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बाद के वहाँ के जितने भी लोग हैं they are so committed, so responsible, और स्पॉट बॉय से लेकर डायरेक्टर प्रोड्यूसर तक सब लोग इतने अपने काम से उनको लगन होती है और इतनी मेहनत से सब कुछ निभाते हैं. पंक्चुअल एवरीथिंग, सो कमिटेड टू द जॉब ऑन हैंड. ये चीज़ जान के बहुत अच्छा लगा. दिलवालों की दिल्ली से सपनों की नगरी मुंबई जाना और वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय शोहरत हासिल करना ये कोई छोटी बात नहीं. सुषमा ने शोहरत की बुलंदी को छुआ, 20 साल थिएटर इंडस्ट्री को दिए और फिल्मों का सैकड़ा छुआ. कई टीवी सोप्स में नजर आई लेकिन काम करने की चाहत अभी भी खत्म नहीं हुई. बच्चों के साथ मिलकर जिंदगी को जीतने का जज्बा अब भी उनमें है. ऐसा लगता है अब आगे क्या करना है. ज्यादा जरूरत ये है कि हम समाज में कुछ अपना योगदान दे सकें, कुछ कर सकें, बच्चों के लिए कुछ कर सकें, महिलाओं के लिए कुछ कर सकें. जो जिस तरह की ये स्थिति हो रही है, द वायलेंस एंड द अनरेस्ट, इसके बारे में कुछ कर सकें, पर्यावरण के लिए कुछ कर सकें, एनिमल्स के लिए कुछ कर सकें. कई आयोजनों में वो जज के तौर पर नजर आती हैं. इंडस्ट्री के कई चेहरे उन्हें अपना आइडल मानते हैं लेकिन सुषमा खुद को अपना आईना मानकर जिंदगी जिए चली जा रही हैं। शायद उनकी अपनी तुलना खुद से ही है. अब भी जिंदगी में जीत की ओर कदम बढ़े चले जा रहे हैं. ये कदम कब किस मुकाम पर जाकर रुकेंगे पता नहीं. अब और कौन सा मुकाम हासिल करेंगे पता नहीं. बस जिंदगी को जज्बे के साथ जीने का यह कामयाब सफर जारी है.